हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। रमदी अच्छे हैं, बढ़ गया शाम के चार। हम कर रहे हैं सिलाई, कोलर तैयार कर रही हूँ यहाँ पे एंजल के सूट में लगाने के लिए। ये है हमारा कॉलर और यहाँ हमारे बाबू जी घूम रहे हैं। पता नहीं बचाते हैं वो, आज बटन बंद करना सीख रहा क्या? बटन बंद करना सीख रहे हो? ये बंद करना छीक रहे हो? फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ रूम में। तो ये देखे, इस रूम में मची पड़ी है उथल पुथल। तो बच्चे दोनों गए हुए ट्यूशन और शिवांश को मैंने सुला दिया। तो अब इस रूम की करेंगे सफाई और लगाएंगे थोड़ी झाड़ू। तो इस तो बेड की चद्दर को दूंगी मैं झाड़, बहुत बुरी हालत है। वो चने चढ़ चढ़ के बिल्कुल मिला मिला अपनी सारी चक्कर उधर उधर करती है, क्योंकि यहाँ शिवांश और टप्पू खेल रहे थे तो पूरी चक्कर इधर उधर कर पूरे कमरे में गड़बड़ करके वो भागे पूरा घुमा चढ़ा के। कोई नहीं है, हम करते हैं सफाई। कोई चक्कर हो गई मेरी एंड में आ गई हूँ यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए। तो रूम के अंदर ना चद्दर वद्दर तो सब झाड़ दी थी अच्छे से, लेकिन झाड़ू लगाना बाकी था, क्योंकि शाम के टाइम पे भी काफ़ी कूड़ा हो ही जाता है घर के अंदर, क्योंकि सुबह एक बार सफाई होती है तो एक बार शाम को हो जाता है तो घर बिल्कुल साफ सा लगता है, क्योंकि बच्चों का घर है तो कुछ चुटर मुटर कूड़ा वूड़ा निकलता ही रहता है थोड़ा बहुत। ये देखिए कागज़ वागज बच्चों ने फेंके हुए हैं तो कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। जब झाड़ू लगाने लगता है तो काफ़ी कूड़ा बाहर आ ही जाता है। फ्रेंड, मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे हो रहे हैं थोड़े से बर्तन जो इवनिंग टाइम के हैं, तो इनकी सफाई मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे टप्पू ने ब्रोनविटा निकाला था, वो गिरा के ब्रोनविटा कर दिया किचन में और वो चली गई खा पी के अपना ब्रोनविटा। तो अब करते हैं बर्तनों की सफाई। किचन में बर्तन साफ करने तो शाम के टाइम के बर्तन चाय पानी के सारे हो जाते हैं, काफ़ी सारे हो जाते हैं। दोपहर के बर्तन तो मैंने जब भी साफ कर लेते हैं दिन में चार या पाँच बार हो जाते हैं बर्तन की सफाई। जितने इकट्ठे होते रहते हैं उतने में करती रहते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ एंजल बना रही है अपनी क्या मैगी 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 रोज खाओ मैगी, पेट में दर्द करो खा खा के। और उसकी बना ले टप्पू की भी एक ही है, उसने कल खा ली थी। चल कोई नहीं, बना ले तो। अरे वाह, जो कितनी बढ़िया आ रही है इस मैगी में। फ्रेंड, मैं मंदिर में जाने की कर रही हूँ तैयारी। तो यहाँ मैंने अपना बना लिया है दीपक, केले और ये चीनी और ये सब मंदिर में ले जाने के लिए सामान। अब इसमें क्या रह गया? जल। मैं तो क्या रह गया, आ गया जल रह गया, जल जरूर लेंगे। तो सुबह सुबह पूजा जब मंदिर में जाता है तो इतनी भीड़ होती है कि दीपक वगैरह जलाया नहीं जाता, सिर्फ जल लेके जाते हैं। जब तो पंडित जी भी मना कर देते हैं, बाहर निकला फटाफट निकला निकलाओ। तो इसलिए मैंने सोचा कि शाम को चले जाऊंगी, आराम से पूजा कर लूंगी, शाम के टाइम में इतनी भीड़ नहीं होती है। तो यहाँ ले लिया हमने अपना जल, अब लेंगे भगवान जी के लिए कलावा जनम जनेऊ का कलावा, वो मैंने इसके अंदर ही रखा था। आ गया चलो, और क्या रह गया सोच विचार। चलते फ्रेंड्स, चलते हैं मंदिर। और आज फूल तो मिले नहीं, सुबह मिल गया था फूल, अब नहीं मिले लेकिन कोई। और बेलपत्री मंदिर में मिल जाएगा, क्योंकि हमारे घर के आसपास बेलपत्री का कोई पेड़ नहीं है, तो मंदिर में से धोएंगे और उन्हीं की चढ़ाएंगे, महादेव की बेलपत्री महादेव को ही चढ़ाएंगे। यहाँ भी फूल है नहीं, एक तो है।
टाइम बच गया है शाम के 7:45 और मैं बना रही हूँ खाना, इसलिए बना रही हूँ जल्दी क्योंकि आज व्रत है और भूख बहुत लगी है। तो सब्जी यहाँ मेरी पक चुकी है, अच्छी तरह पका पका के मैंने एकदम गाढ़ी कर दी। और मैंने बनाया आलू टमाटर की सब्जी और रोटी मैंने सेक के रख दिया और 2-3 सेक नहीं रह गया बस, अब फटाफट सेक देती हूँ मैं 2-3 रोटियाँ। और मम्मी जी को खाना मैंने दे दिया, वो अपने बाहर बैठ के खा रही है। और बच्चों ने खाना खाने के लिए अभी मना कर दिया कि हम बाद में खाएंगे, आप बता के रख दो। तो मैंने उनको चलो रख दिए रोटी से।